लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सिद्धार्थ, अब तुम्हारी फरमाइश। बताओ कौन सा रिकॉर्ड बजाया जाए? यार मैं तो फिर से 10 मिनट की खामोशी चाहूंगा। औरंगजेब, तो फिर मेरी बारी। रहने दे, अरस्तु गुस्से में है, खा जाएगा। क्या ट्रेजेडी है यार, छुट्टियों के सुहावने दिन और 3 नौजवान अपनी जिंदगी अपने कमरे में गुजार रहे हैं। वही सड़ा कमरा, वही मनहूस नजारा, वही कमीनी सिगरेट। अरे इसको कुछ मत कह यार,
एक यही हसीना है जो हमारी जिंदगी का सहारा है। गर नहीं है बस तो हसरत ही सही, धुआं ही सही। वो तो हम ही लड़कियों को लिफ्ट नहीं देते, वरना उनकी कमी है दिल्ली में, हजार गर्ल्स यार। अफसोस तो इस बात का है कि उन हजार गर्ल्स में से अभी तक आपकी एक भी गर्ल से बातचीत नहीं हो पाई। यार जरा तो चुप करो यार, थोड़ा तो पढ़ने दो मुझे। नहीं देंगे, जब देखो पढ़ता रहता है। लाओ इधर। हद है यार। ओए ओमी, ये एस्ट्रे भी खाली कर दे, ये और जुर्म नहीं सह पाएगी। हाँ हाँ, ओमी तुम्हारे बाप का नौकर है ना। जोमो, सिद्धार्थ, जल्दी आ, भाग के, भाग के लड़की। जोमो, सिद्धार्थ, क्या हो गया? कौन सी कयामत आन पड़ी? कहाँ आग लग गई? आग यहाँ लगी है, और कयामत वो देखो। बनकर संवर कर वो निकले मकान से, यही शोर होगा यहाँ से वहां से। कयामत, कयामत किसे कहते हो? वो देखो कयामत चली जा रही है। आए, 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 आए। अरे यार, कमाल की चीज थी यार, मिस कर दी तुमने। क्या लड़की थी, हजारों में एक। मुझे पढ़ने दो यार प्लीज। अरे यार, छुट्टियों में भी कोई पढ़ता है? मैं पढ़ता हूँ समझे, इसीलिए घर भी नहीं गया मैं। घर तो हम भी नहीं गए, ताकि यहाँ मटर गश्ती कर सको। देखो यार, मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं देता ना, तुम लोग भी मेहरबानी करके मुझे बख्श दो प्लीज। अजीब खूसट है यार। खूसट? अरे ये तो पैदाइशी बूढ़ा है। क्यों बुढ़ों को बदनाम करते हो यार? कोई समझदार बुढ़ा होता तो भागकर बालकनी में नहीं आता। हाय कमबख्त, तूने पी ही नहीं। क्या चाल थी, क्या बाल थे, क्या आंखें थी, क्या। मगर उसकी आंखें आपने ऊपर से कब देखी हुजूर? देखी तो नहीं, लेकिन अच्छी होंगी। हाँ। बेवकूफो, कौन लड़की है, कहाँ की है, कहाँ से आई? वो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। पागल हो, ना उसका कोई अता ना पता। अरे अभी लगाते हैं, इसमें कौन सी देर है। मैं चला बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड इन एक्शन। टारा टारा। कहाँ चल दिए बुलबुल? कोई और भी कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या? अरे ललन मियां, आप काट दिया ना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा। अब तेरा काम नहीं होगा? अबे मेरा काम जो इतने दिनों से तूने रोक रखा है, उसका क्या होगा? चल ना किसी दुकान पे। अरे ललन मियां, इस दुकान कहाँ ले जा रहे हो? अबे गनीमत समझ के मैं तुझे थाने नहीं ले जा रहा, चल चल। अरे चल रहा हूँ, चल रहा हूँ ललन मियां, चल रहा हूँ। घसीटो मत, इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल है? लोगों के पैसे तो तू अंडा कफील कर लेता, और बात कर दिया इज्जत की, हैं? चल, देख कैसी पज्जी करता हूं मैं तेरी। हाँ तो सही। आओ भाई ललन मिया, संभालो अपनी दुकान, मैं भी चलकर अपनी टैक्सी देख लूं। अच्छा बेटे, वाह, अच्छा, शुक्रिया, खुदा खुदा हाफिज। अरे देखो यहाँ रुको। था मेरे पान और लगा चूना। ललन मियां, पान को चूना लगाने में मुझे कोई इतराज नहीं है, कहिए तो आपको भी लगा दूं, मगर इस वक्त तरह जल्दी में हूं। अबे जल्दी में तो मैं हूं, चार महीने से इंतजार कर रहा हूं तेरा। निकाल पैसे, अब तेरे होते हैं इसमें 67 रुपए और 50 पैसे। ललन मियां, 50 पैसे तो छोड़ दो। ये किस खुशी में, बारात में आए क्या? निकाल। अरे आ जाएंगे, आ जाएंगे ललन मियां, पैसे कहीं नहीं जाते। अबे जाने की कौन बात कर रहा है, हम तो इस चीज का है कि पैसे आते नहीं है। आएंगे ललन मियां, आएंगे, आप ही कसम।
अच्छा इस कत्थे के लोटे की कसम, इस समय जाने दीजिए, जल्दी में हूँ, एक लड़की का पीछा कर रहा हूँ। ओफो, तो लका कबूतर पहले क्यों नहीं बतलाया, कौन सी लड़की और कहाँ दिखी? अभी इस सड़क से गुजरी, 10 मिनट भी नहीं हुए, गुलाबी कमीज और लहरिया दुपट्टा। उस्ताद दिखी थी, और इस बीती जवानी की कसम हमने भी एक ठंडी सी आह भर ली थी। वाह अम्मा, वो लड़की तो एक जुगनू की तरह यहाँ चमकी और उस नुक्कड़ पे गायब, तो कर लो पीछा जल्दी से, भागो। अरे रुको, साइकिल ले जाओ मेरी। हाँ। अरे वाह, आप तो फरिश्ता है ललन मियाँ, खुदा करे आपके कर्जदार आपका पैसा जल्दी लौटाएं। अरे हाँ, ये भी लिख लेना हमारे अकाउंट पर, अब पूरे 70 रुपए हो गए। ये जेम्स बॉन्ड आखिरी सिगरेट भी पी गया क्या? अरे घबराता क्यों है, अपने पास बहुत स्टॉक पड़ा है। क्या बात है। अरे सिद्धार्थ, अनदर केस ऑफ किडनैपिंग, डॉक्टर जीपी धमीजा की लड़की सुजाता को कल शाम रिंग रोड पर से 2 अज्ञात आदमी टैक्सी में भगा कर ले गए। डॉक्टर धमीजा से किडनैपर्स ने 1 लाख रुपए की मांग की है। पुलिस की तलाश जारी है और खबर देने वाले को 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। टच करेगी गुंडों को 1 लाख और भले आदमी को 1000, कोई बात है? मिल गया, अता पता सब मिल गया। बधाई हो दोस्तों, वो अपने ही मोहल्ले में रहने आई है, पार्क के पास वाले बंगले में। घर में बाप है, दादी अम्मा है और बड़ा भाई है, लेकिन डरो नहीं, बंबई में रहता है। दोस्त हो तो ऐसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब अब मेरे लिए आसान हो गया ना, आगे मैं सब कर लूंगा। क्या कर लोगे? हाँ वही, पहले जान पहचान, फिर धीरे धीरे दोस्ती, फिर प्यार मोहब्बत, फिर वगैरह वगैरह। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अता पता ढूंढा मैंने और इश फरमाएंगे आप। हुजूर, बालकनी से पहले देखा मैंने, बताया भी मैंने, जिक्र उस परिवश का और बयां अपना, बन गया रकीब आखिर था जो राजदां अपना। घबराओ मत, बाद में आप दोनों को इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। इंट्रोड्यूस कल आएगा, तब तक साला हमारी इतनी बुराई कर चुका होगा कि हमारा मुंह भी देखना पसंद नहीं करेगी। आपका मुंह शायद वो वैसे भी देखना पसंद ना करे। अच्छा एक काम करो, दोनों कोशिश कर देखो, देखें कौन उसका दिल जीतता है। पत्तों का फैसला करने दो, दोनों के बीच, तीनों के बीच। अब देखो ये अपनी बच्चों वाली हरकतों में तुम मुझे मत घसीटो, समझे? जनाब, लड़कियों का पीछा करना बच्चों वाली नहीं, नौजवानों वाली हरकत है, क्या समझे? चलो अच्छा हुआ एक राइवल कम हो गया। पॉइंट, तू पत्ते बांट, जिसकी मेम उसकी गेम, मतलब वो पहले। करेक्ट। आहा बेगम बेगम, देखा सच की हमेशा जीत होती है, अब कल मैं सीधा उसके घर जाऊंगा। वहां पर उसका बाप, दादी अम्मा और भाई सब होंगे। यही तो आइडिया है, पहले उन्हीं को इंप्रेस करूंगा। वो सोचेंगे कितना शरीफ, हैंडसम और इंटेलिजेंट नौजवान है, ऐसे लड़के को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। बस फिर क्या, आगे तो आसान है। शेरो शायरी के बल पर मैं उस हसीना का दिल जीत लूंगा, क्या पता उसे सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद ना हो। तो क्या मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा? बस कह दिया। मैं तो हरगिज नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हम पर कोई लड़की हुकूमत नहीं चला सकती है। हाँ साफ बात है, मैं उसे कह दूंगा, देखो मैं हूं ऐसा हूं, सिगरेट पीता हूं, कभी कभार बियर भी पीता हूं, फिलहाल इतना ही करता हूं, है मंजूर तो बोलो, वरना ये शादी नहीं हो सकती। लीजिए, इनकी पहचान अभी हुई नहीं और शादी भी टूट गई। खैर मैं तो कल की तैयारी में लग जाऊं, उधर है इंतजार अपना, इधर दिल बेकरार अपना, आए हैं तेरे दर पे उम्मीद, तू कर दे बेड़ा पार अपना।
आप आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? हाँ, कब से, बहुत देर कर दी आपने। आइए आइए आइए, अंदर आइए आइए आइए। आइए ना, ओ, देखा ना, ये बेसन एकदम चोक हो गया और नलका भी बंद नहीं होता है। अजीब मुसीबत है, पानी नीचे उतरता नहीं और सारे बाथरूम में पानी पानी हो गया है। हमने सुबह ही प्लम्बर को फोन किया था कि वो अपना आदमी जल्दी भेजो और आप इस वक्त आ रहे हैं। खैर, आपके वो टूल्स कहाँ हैं, बाहर रखे हैं क्या? जाइए, खड़े मत रहिए, ले आइए ना। नेहा, कौन है बेटी? कोई नहीं दादी अम्मा, प्लम्बर का आदमी है, नलका ठीक करने आया है। करारे मूंगफली, करारे मूंगफली। हाँ साहब, 10 पैसे का दो। चवन्नी का लो साहब, चवन्नी का ही दो साहब। करारे मूंगफली, करारे मूंगफली। डार्लिंग। यस डार्लिंग। कुछ नहीं, बस डार्लिंग 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 डार्लिंग। गया ऊपर, खींच ले। ढील दे, खींच लो। गया ऊपर, गया ऊपर, गया। अरे मेरा वाला देख, अलार्म वाला गया ऊपर। खींचो, ऊपर ले, ऊपर ले। क्या हुआ यार, कुछ बात बनी? यारो, मुझसे बात मत करो, मैं अभी चांद सितारों की दुनिया से नीचे उतरा नहीं हूं। अबे क्या हुआ, कुछ बात बताएगा भी? अबे मोटे, बताना हुआ क्या? पहली पहली मुलाकात में पहला पहला प्यार हो गया। यार इस गोलमोल बात को छोड़ और सीधे फ्लैशबैक पर उतारा। अच्छा तो सुनो, फ्लैशबैक। जी आप? खातून को मेरा सलाम पहुंचे। इस जुर्रत के लिए माफी चाहूंगा। नाचीज एक शायर है, अपने फन की हौसला अफसाई के लिए मोहतरमा की तलाश में सदियों भटकता रहा, बस भटकता रहा, और आज तकदीर ने हुजूर तक पहुंचा ही दिया। वैसे यह हमारी पहली मुलाकात है। जनाब आला, ये हमारी पहली मुलाकात तो नहीं, शायद हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। पहले मिल चुके हैं? कहाँ? पिछले जन्म में। करारे मूंगफली। दिल में किसी के राह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हसीं गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। वो लजाए मेरी बात पर,
के उठा सके ना झुका के सर, उड़ी जुल्फ चेहरे पे इस तरह कि शबों के राज मचल गए, समझी यार अब न समझे है न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबान। तकलीफ करने की जरूरत नहीं मेरा ख्याल है, मतलब यार इसने जब पहली बार में इतना मैदान मार लिया तो तुम अब क्या तीर मार लोगे? इनकी कहानी सुनकर तुम्हारा जोश ठंडा नहीं हुआ? उल्टा भड़क उठा है। सोचो अगर ओमी एक बार में इतना अच्छा इंप्रेशन जमा सकता है तो जब मैं जाऊंगा तो क्या होगा, गजब होगा गजब। सिद्धार्थ प्रेस ऑन करो, ओमी बूट पॉलिश लाओ, द नेशन प्रिपेयर्स। जी गुड इवनिंग, माई सेल्फ जे एल लखनपाल, बंबई के मशहूर फिल्म डायरेक्टर डी एल लखनपाल का नाम आपने जरूर सुना होगा। जी नहीं। तो मैं उनका छोटा भाई हूँ, उनके डमरू प्रोडक्शंस में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी हूँ, टैलेंट स्काउटिंग के लिए दिल्ली आया हूँ। क्यों? अगली फिल्म के लिए। नहीं पर दिल्ली क्यों? ओह बंबई में आजकल टैलेंट कहाँ। परसों को बता रहा था कि आपने कॉलेज में मिरांडा दौलत राम कह रहा था आपने ड्रामे में कमाल कर दिया था। मैंने कहा बहुत अच्छे, एक एक्सपीरियंस एक्ट्रेस हो तो क्या बात है। मैंने आज तक स्टेज पर कदम नहीं रखा। तब तो और भी अच्छे, एकदम फ्रेश अप्रोच रहेगा। देखिए मुझे फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं देखती तक नहीं। ओह हाँ, लेकिन मेरे भैया को फिल्मों में बहुत दिलचस्पी है। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं आपको उनसे मिलवा दूं। जरूर जरूर। वेरी ग्लैड टू मीट यू। वेरी गुड, तो आप फिल्म लाइन में हैं? जी। वैसे तो बचपन से मुझे भी एक्टर बनने का शौक है, लेकिन हीरो वीरो नहीं, विलन। मुझे अगर मौका मिले तो ये टकला शेटी डैनी वैनी अमजद सबकी छुट्टी कर दूं मैं। कुंग फू कराटे बॉक्सिंग रेसलिंग सब में माहिर हूं मैं। भैया जबानी बताने से बात नहीं बनती, कुछ कमाल करके दिखाओ ना। आओ आओ। अरे फिल्म डायरेक्टर साहब कैसा रहा? जनाब ये तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर आगे है। अरे रुकिए भाई सुनिए। ये क्या हो गया भाई? किसी बवंडर से निपट कर आ रहे हो क्या? बताता हूँ। क्या हुआ क्या बताओ? बताता हूँ। समझ के। आइस आइस। ओहो। अच्छा तो बोलो तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? हाँ? सर क्यों? शुरू से बताओ। यारो। जब मैं घर से निकला जी। गुड इवनिंग, माई सेल्फ जे एल लखनपाल, बंबई के मशहूर फिल्म डायरेक्टर डी एल लखनपाल का नाम आपने जरूर सुना होगा। अरे ऑफ कोर्स, लखनपाल साहब का नाम किसी नहीं सुना, मैं तो उनकी बहुत जबरदस्त फैन हूँ। आप उनको जानते हैं? जी हाँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनके डमरू प्रोडक्शंस में मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी हूँ। रियली?
अरे तो आप अंदर आइए ना, आइए आइए प्लीज आइए। ये मेरे भैया हैं, इनको फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हेलो, नमस्कार, आप चलने दीजिए, चलने दीजिए, बैठिए, मैं जरा अंदर से आया। थैंक यू, नाइस एश्ट्रे। आपने दुश्माना देखी? हाँ, तीन बार। आ? क्या कहानी है, एकदम ओरिजिनल। दो जुड़वा भाई बचपन में बिछड़कर फिर मिल जाते हैं, एक स्मगलर और दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, काफी संजीदा कहानी है। वैसे आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं? हाँ? मैं दिल्ली टैलेंट स्काउटिंग के लिए आया हूँ। बंबई से दिल्ली? हाँ, दरअसल जया जी के बाद बड़ा वैक्यूम आ गया है इंडस्ट्री में, अगर आप चाहे तो। हाँ, थ्रिलिंग, मैं तो खुद मुंबई आने की सोच रही थी। अगर मैं आपका स्क्रीन टेस्ट ले लूं तो आप इनकार तो नहीं करेंगी? करना था इनकार, मगर इकरार, तुही से चर बैठे लाना चली। तुमने पुकारार हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारार हम चले आए। कमाल है यार, हाथ जल जाएगा। अच्छा अच्छा, तो पार्क में चार चार गुंडों से मुकाबला करके आपने निशान पाए हैं। सिद्धार्थ, तुम भी होकर आओ। नहीं नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, और लड़कियों से तो मैं दूर ही अच्छा। और बाप रे बाप, वो भी ऐसी लड़की, आज बोटिंग कल पार्क पर। नहीं नहीं भाई, लेकिन अब तुम लोगों का क्या होगा? मतलब तुम दोनों के बीच फैसला कैसे होगा? लड़की तो एक ही है, निपटाओगे कैसे? कौन है बेटी? कोई नहीं दादी अम्मा, प्लम्बर का आदमी है, नलका ठीक करने आया है। जनाब, ये तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी आगे है। ओमी, अपनी दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ। कैरी ऑन। हरगिज नहीं, दोस्ती के नाम पर मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान करने को तैयार हूँ दोस्त। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं दोस्त, मैं नहीं जाऊंगा। तुम नहीं? नहीं, मैंने छोड़ दिया। मुझे बिल्कुल भी छोड़ मत करो, मैं हट जाता हूं। नहीं जाऊंगा दोस्त, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। ओमी, यारी है ईमान। जोमो, मुझे लगता है लड़की कुछ गड़बड़ है। ठीक कहते हो, मैं नहीं चाहता किसी छोकरी की वजह से हमारी दोस्ती में खलल आए। हाँ, तो आज से उस लड़की का नाम लेना छोड़ दिया। वाह, दोस्त हो तो ऐसे हो। चश्मे बद्दूर, चश्मे बद्दूर। आदाब ललन मियां। ओहो मियां प्रोफेसर, आज कैसे आना हुआ इतने दिनों बाद? भूल गए आप आज कौन सी तारीख है? पहली तारीख है। अखा, तो पैसे चुकाने आए हो? इतनी आपकी किस्मत कहां है ललन मियां? मैं तो ये बताने आया हूं, इस महीने में आपका हिसाब नहीं चुका सकता, कॉलेज बंद है ना। तो मियां, पहली तारीख को भी यही बताने आए हो कि आप भी हिसाब नहीं चुका रहे? ललन मियां, मैं तो ये बताने आया हूं कि इरादा नेक है। मियां अल्लाह कसम, यहाँ तो सारा काम नेक इरादों ही पे चल लिया है, समझे? बीवी बच्चों को ये कह दूंगा कि खुश रहो।
मेरे खरीदार पैसे नहीं देते, मगर खुश रहो, इनके इरादे नेक हैं। अब ललन भैया हमारी भी मजबूरी है। अब देखिए, कल से एक सिगरेट नहीं पिया, एक नहीं पिया कल से एक। ए तो बड़ा एहसान कर रहा हूं मुझ पे। अम्मा वो तो मुस्टंडे जो तुम्हारे हैं, वो पैसे क्यों नहीं दे रहे? विनको स्कॉलरशिप नहीं मिल लिया क्या? ललन भैया आप भी, ओमी तो इस साल फिर फेल हो गया। तीसरी बार इस डर से तो घर नहीं जा रहा छुट्टियों में। ओहो, उसके माँ बाप ने तो पैसे भेजना बिल्कुल बंद कर दिया। अब जोमो के माँ बाप जो है वो है नैरोबी में, उनके पैसे आने वाले, जरा इंतजार है। देखो उस्ताद, आखिरी चांस दे रहा हूं, अगर अगले महीने तुमने पैसे नहीं चुकाए मेरे, तो मुझ जैसा मगरमच्छ कोई नहीं होगा। फिलहाल तो ललन मियां आप जैसा मेहरबान कोई नहीं। और मियां वो तुम्हारे दो तीतर बटेर दोस्त जो चोरों की तरह मुंह छिपाए दूर से चले जाते हैं, विन से कह दीजिए कि यहां भी इस सड़क पे भी आने की इजाजत है। ललन से सलाम दुआ तो कर ले। अच्छा अच्छा, तो ललन मियां अब हमारा वो पैकेट भी हो जाए। अब क्यों पीते हो मियां, छोड़ दो। ये आप कह रहे हैं, इस तरह तो आपका धंधा कैसे चलेगा? अरे मेरा धंधा कौन सा तुम्हारी वजह से चल लिया है? उधार की तो तुम पीते रहते हो। लो, ईमान से मियां, तुम्हारे मुंह में सिगरेट देख कुछ अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो, बड़ी बुरी इल्लत है। देखो खुद सिगरेट वाले कहते हैं। ललन मियां आपको एक दिल की बात बताऊं, बड़े दिनों से एक तमन्ना है कि कभी कोई स्पेशल लड़की, खास हजरा मुझसे ये कहे। क्या सुना है, लड़कियां है कहती हैं मुझसे कहे कि सिगरेट पीना छोड़ दो। हाँ, तब छोड़ दूंगा, जब तक ऐसी लड़की नहीं मिलती। हाँ, शौक फरमाते स्पेशल। हाँ भैया, दो सादे तंबाकू के साथ, 120 तो है नहीं, तमाम की गोली चलेगी। गए नहीं अभी, हट। हीरो है ना? ओहो शिकार, चल छोड़ छोड़ यार, देर हो जाएगी, चल चल। हमारा कार्बोरेटर खराब हो गया होगा, इसकी डिबरी कर देना। अरे मैं पहिए में फंसा हूँ, आपको कार्बोरेटर की पड़ी है। तेरा आइडिया है, पैसे निकाल। एक पैकेट हमारा गोल्ड दीजिए। अबे वाह, यानी नकद। ओके ओमी, सी यू। ये साला जरूर उस लड़की के पीछे भागा होगा, अब मेरे नाटक का क्या होगा? श्योर, आप किस तरफ जा रहे हैं? जिस तरफ आप जा रही हैं। सो स्वीट, उस तरफ जाना। अच्छा। ओके। Thank you.
नर्स पेशेंट कहाँ है? ओ सर पेशेंट तो भाग गया। मारूंगा मोटे। अरे सिद्धार्थ ये सुनो, PLA इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उनको MA इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास चाहिए और तुम्हारी क्वालिफिकेशंस एकदम फिट बैठती हैं, अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दे। मुझे नौकरी नहीं करनी, पढ़ाई करनी है। अरे तो 7 साल भी तो पढ़ सकते हो, नौकरी करोगे तो कमाई होगी। कमाई का करूंगा क्या, परिवार तो है नहीं। अरे हम जो है सोच, अगर तू कमाएगा तो हमारी गृहस्थी कितने मजे से चलेगी। नहीं भाई, कोई दरवाजा क्यों नहीं खुलता? कोई कर्जदार आ गया क्या? आप गलत एड्रेस पर आ गई हैं। क्यों? C169/3 यही तो है ना? जी हाँ वो तो यही है। तो फिर ये ठीक है, लेकिन यहां आपको किससे मिलना है? आपकी माताजी या बहन, भाभी, चाची, कोई? कोई नहीं, मतलब यहां कोई नहीं है, सब गांव में। घर में कोई तो औरत होगी ना? ये क्या कह रही हैं आप, यहां सिर्फ हम 3 बैचलर्स ही हैं। चलिए मैं आप ही को बता देती हूँ। जी क्या बता देती हैं आप? देखिए मैं चमको साबुन की एजेंट हूँ। नहीं हमको साबुन वाबुन नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत स्टॉक है, लेकिन थैंक यू वेरी मच। घबराइए नहीं, मैं बेच थोड़ी नहीं हूँ आपको, उल्टा आपको एक सैंपल बॉक्स मुफ्त में देके जाऊंगी। ओ थैंक यू। नहीं लेकिन पहले मुझे डेमोंस्ट्रेशन देना होगा। देखिए इस वक्त मैं इतनी जल्दी में हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। 5 मिनट भी नहीं? देखिए हमें रोज 20 घर पूरे करने होते हैं, 19 हो गए और आपका ये आखिरी घर। अगर आप डेमोंस्ट्रेशन देख लेंगे तो मैं आपका नाम रजिस्टर में दर्ज कर लूंगी, नहीं तो मुझे अगली गली में जाना होगा। ओ इतनी सी बात है ना, तो आप मेरा नाम यूं ही रजिस्टर में दर्ज कर लीजिए। क्यों ठीक है ना? ठीक नहीं है, जिस कंपनी से मैं पैसे लेती हूँ उसे मैं इस तरह धोखा नहीं दे सकती। ठीक है मैं चलती हूँ। अच्छा सुनिए मिस चमको, आप दीजिए अपना डेमोंस्ट्रेशन। आइए। एक बाल्टी ठंडा पानी और कपड़ा धोने के लिए, टेबल क्लॉथ नैपकिन कुछ भी चलेगा। टेबल क्लॉथ नैपकिन, टेबल क्लॉथ। आपको साबुन तो नहीं चाहिए? जोमो ओमी
मर गए सुनो। ये वहां क्या कर रहे हो? ऊपर आओ। अरे वहां क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे नीचे नहीं कम अकल, ऊपर। दिमाग दिमाग ही खराब हो गया। जाओ ये नीचे से मोड़ आ जा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? सिद्धार्थ। पूरा नाम? सिद्धार्थ पराशर। बैठिए। थैंक यू। फैमिली मेंबर्स यहाँ पर? तीन, मेरा मतलब एक नहीं नहीं तीन तीन तीन। ठीक से सोच के बताइए। मेरा मतलब है मैं एक हूँ, अकेला हूँ, लेकिन दो दोस्तों के साथ कमरा शेयर करता हूँ। काम क्या करते हैं आप? एमए किया है विद डिस्टिंक्शन, पीएचडी करने वाला हूँ। धुलाई के लिए कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? हम साबुन इस्तेमाल ही नहीं करते, हमारे सारे कपड़े लॉन्ड्री में जाते हैं। लेकिन अभी तो आपने बताया कि बहुत स्टॉक है। ओह वो तो मुझे भगाने के लिए। खैर आप एक बार चमको इस्तेमाल करके देखिए, दोबारा दूसरी कंपनी का साबुन देखेंगे तक नहीं। चमको कपड़ों के लिए बेहतरीन साबुन, बार बार लगातार चमको, कपड़ों में चकाचौंध चमक लाने के लिए खुशबूदार झाग वाला चमको। अब तरीका देख लीजिए, एक बाल्टी ठंडे पानी में सफेद चमकीला झाग वाला झाग वाला चमको साबुन के दो चम्मच डाल दीजिए और फिर उसे अच्छी तरह मिलाइए। अब धीरे धीरे उसमें कपड़ा छोड़िए। अब कपड़ा साफ होने की क्रिया अंदर ही अंदर होने लगेगी। कपड़े को कम से कम 5 मिनट भीगना चाहिए, हमें 5 मिनट इंतजार करना होगा। हम तीन रहते हैं ना यहाँ, हर एक की एक एक दीवार है। ये मेरी नहीं है, मेरी वो है गांधी जी वाली। जी, पढ़ने के लिए कोई और मैगजीन नहीं है? बिजनेस इंडिया? नहीं। इकोनॉमिक रिव्यू? ना। जोमो की बहुत सी फिल्म मैगजीन थी, लेकिन वो तो कुछ कट गई कुछ बिक गई। चलिए रहने दीजिए, मुझे वैसे भी फिल्मों का शौक नहीं है। चमको कपड़ों के लिए बेहतरीन साबुन, आजमाइए बार बार लगातार कपड़ों में चकाचौंध चमक लाने के लिए खुशबूदार झाग वाला चमको। अच्छा दो मिनट तो हो गए होंगे। नहीं, हाँ मेरा ख्याल है। दूध नहीं है वरना मैं चाय बना देता आपके लिए। नहीं कोई बात नहीं। आप लड्डू खाएंगे? जी नहीं शुक्रिया। बेसन का है, मेरी माँ ने भेजा है, बहुत अच्छा है। नहीं वो रहने दीजिए। नहीं आप खाइए, बहुत अच्छा है। नहीं, आप खा के देखिए। अच्छा। ने अभी नाम की रकम बढ़ाकर 5,000 कर दी है। आजकल तो किसी भी लड़की का शहर में घूमना खतरे से खाली नहीं, चाहे वो आपकी तरह नौकरी क्यों ना करती। मैं नौकरी नहीं करती, मेरे पापा एक फर्म में मार्केटिंग मैनेजर हैं। ये तो मेरा शौक है। ये झाग वाला झंझट आपका शौक है? नहीं ये नहीं, संगीत। मुझे संगीत में बहुत दिलचस्पी है।
और पापा कहते हैं कि मुझे अपना शौक खुद कमा के पूरा करना चाहिए। तो आप गाना सीखती हैं? सरगम संगीत विद्यालय में हफ्ते में दो दिन मेरी क्लास होती है, सोमवार और बुधवार को शाम 4 से 5:30 बजे तक। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपनी क्लास कभी मिस नहीं करती हूँ। अभी थोड़ा टाइम बाकी है, आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि उसको 5 मिनट और भीगने दीजिए। मैंने इससे पहले किसी लड़की से इस तरह बात ही नहीं की। क्या कह रहे हैं आप, झूठ। आपकी कसम, मैं पढ़ाई में इतना मसरूफ रहता हूँ, मुझे किसी लड़की से बात करने का ख्याल ही नहीं आता। मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि मैं अब नॉर्मल हूँ, मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मैं किसी लड़की को जानता ही नहीं ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मेरी किस्मत में होगी तो वो खुद ब खुद आ टपकेगी। मेरा मतलब, अब इसे सादे पानी में अच्छी तरह खंगालना चाहिए। मैं सादे पानी की बाल्टी ले आऊं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी आप रहने दीजिए, वो बाद में करते रहिएगा। देखा ना कितना साफ निकला है। हाँ वो तो मैंने आपको लॉन्ड्री का धुला हुआ तौलिया दिया था ना। क्या, ऐसे कैसे आपको गंदा तौलिया दे देता, आप भी कमाल करती हैं। खैर कोई बात नहीं, अच्छा मैं चलती हूँ। ओहो मैं तो भूल ही गई, ये रहा आपका सैंपल बॉक्स, और याद रखिए चमको, और हाँ इसके अंदर छोटा सा गिफ्ट भी है। सुनिए 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 मिस चमको, मैं अब हमेशा आप ही कंपनी का साबुन इस्तेमाल करूंगा चमको। खुशबूदार झाग वाला चमको, चमको आजमाइए बार बार लगातार, चमको खुशबूदार झाग वाला चमको, चमको। Sarigama badhanisa, nidhava magarisa, sarinisa, sarinisa, sarinisa. Kali ghodi dwar khadi, khadi re, kali ghodi dwar khadi. Gao. Kali ghodi dwar khadi. से मोरी मांग भरी, मूंगों से मोरी मांग भरी, बरजोरी सैया ले जावे, बरजोरी सैया ले जावे, चकित भई सगरी नगरी, काली घोड़ी द्वार खड़ी, खड़ी रे काली घोड़ी द्वार खड़ी। भीड़ के बीच अकेले मितवा, भीड़ के बीच अकेले मितवा, अकेले मितवा, अकेले मितवा, जंगल बीच महक गए फुलवा, जंगल बीच महक गए फुलवा, कौने ठगवा बैया धरी, कौने ठगवा बैया धरी, चकित भई सगरी नगरी, काली घोड़ी द्वार खड़ी, खड़ी रे काली घोड़ी द्वार खड़ी। बाबा के द्वारे भेजे हर कारे, अम्मा को मीठी
चितवन से मोह को हरी चकित भई सगरी नगरी धा धा काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे काली घोड़ी द्वार खड़ी सगमधनी सादानी माधागमसा सगमधनी सा सनिधमगता निसगमधनी निधमगतनी धनिसगमधा धमगतनी धा मधनिसगमा गतनिधनिसा 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 काली घोड़ी पे गोरसैया चमके चमक चमक चमके काली घोड़ी पे गोरसैया चमके कजरारे मेखा में तिजुरी दमके तिजुरी दमके सुदबुद बिसर गई हमरी बरजोरी सैया ले जावे बरजोरी सैया ले जावे चकित भई सगरी नगरी काली घोड़ी दौड़ पड़ी काली घोड़ी दौड़ पड़ी अंग अंग पी रंग रचावे उनके कांधे लट बिखरी उनके कांधे लट बिखरी काली घोड़ी दौड़ पड़ी काली घोड़ी दौड़ पड़ी काली घोड़ी दौड़ पड़ी कॉफी पी नहीं नहीं बहुत देर हो जाएगी देखिए मिस चमको अगर आप बस के लिए रुकी होती तो इस वक्त आप बस स्टॉप पर होती मैंने आपका कम से कम एक घंटा तो बचा ही होगा ओके आज एक नया राग सीखा अच्छा संगीत के मामले में तो मैं बिल्कुल ही अनाड़ी हूँ मेरे रूममेट तो मुझे औरंगजेब कहते हैं शास्त्रीय संगीत जैसा प्यारा साथ नहीं है सच हर वक्त के लिए कोई अलग ही राग होता है वाकई इस वक्त के लिए कौन सा राग होगा अरे यहाँ अच्छा क्या है माहौल अच्छा है नहीं यानी खाने पीने में क्या वैसे यहाँ की टूटी फ्रूटी बहुत मशहूर है अच्छा अच्छा तो देखिए एक टूटी फ्रूटी और एक कॉफी टूटी फ्रूटी कॉफी टूटी फ्रूटी कॉफी थैंक यू थैंक यू आपकी कोई हॉबी होगी इकोनॉमिक्स रियली इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैं अपने सब्जेक्ट पर किताबें इस तरह पढ़ता हूँ जैसे लोग जेम्स हेडली चेस के थ्रिलर्स पढ़ते हैं अरे कमाल है मेरे पापा भी इकोनॉमिस्ट हैं रियली कैसा इत्तेफाक है ना आज हम यूं ही अचानक बस स्टॉप पे मिल गए दरअसल इस इत्तेफाक के लिए जिम्मेदार मैं हूं उस रोज आपके मुंह से अनजाने में निकल गया था ना कि आप हर सोमवार और बुधवार को 4 से 5:30 के बीच सरगम संगीत विद्यालय पे जाती हैं आज 4 बजे से ही मैं आपके विद्यालय के आसपास चक्कर लगा रहा हूँ अब मैं भी बताऊं वो बात मेरे मुंह से अनजाने में नहीं निकल गई थी बल्कि मैंने जानबूझकर ही आपको अपना प्रोग्राम इतने डिटेल में बता दिया था मैंने सोचा कि शायद अच्छा वाकई अच्छा और देखिए मैं आ गया Thank you.
देखिए हम तो एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते। क्यों, मैं जानती हूँ आपका नाम अच्छी तरह, सिद्धार्थ पराशर, एमए विद डिस्टिंक्शन। आप इसमें हैरान होने की क्या बात है, उस दिन आपके सामने तो सब रजिस्टर पे नोट किया था। ओ, तो क्या आप हर नाम इस तरह याद रख पाती हैं? नहीं, हर नाम तो नहीं। आपका नाम? मिस चमको। नहीं, ये तो वो क्या कहते हैं, आपका स्क्रीन नेम है। लेकिन आपका असली नाम क्या है? नेहा, नेहा राजन। बहुत अच्छा नाम है, आपको सूट करता है। वेटर। यस सर। देखिए एक और कॉफी और एक टूटी फ्रूटी और। नहीं, ये खत्म कैसे होगा? नहीं, वो हो जाएगा धीरे धीरे, आप बेफिक्र रहिए। जी आप ले आइए, और सुनिए जरा आराम से, इंटरवल के बाद लाता हूं। तो बात बन गई। आ जा बे, दरवाजा खुला है। अबे कौन है बे? अबे तेरी मौत है बे। अरे लल्लू, ललन मिया। अबे ये क्या डरियामा पहन लिया है, आंख मटक्का करना है तो किसी लौंडिया के साथ कर, चल निकल। नहीं आते, पहले वादा कीजिए कि मारेंगे नहीं। मेरी आंखें और दीदार आपका, या कयामत आ गई या ख्वाब है। अभी बताता हूँ, आइए हुजूर, आइए 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 तो सही। देखो खोलो आंटी, और निकालो टके। टके तो हमारे पास नहीं है ललन मियाँ, आप चाहे तो हमें ले जा सकते हैं। अबे तेरे में अचार डालूंगा क्या? अब आपको अपना हाल क्या बताए ललन मियाँ। तो मियाँ साहबजादे, तुमसे ये कीमती शौक पालने को किसने कहा था? अब मजबूरी है लल्लन मियाँ, सभी बड़े कलाकार इसी तरह बर्बाद होते हैं। अब बेचारे गालिब को ही देखिए। देखो मियाँ, अगर तुम्हें बर्बाद होना है तो शौक से, मुझे क्यों बर्बाद कर रहे हो समझे? जब तक मेरे पैसे नहीं मिल रहे मैं नहीं टल लिया यहाँ से। वो आए हैं पुरसिश को ना मुरादी, बहरहाल अब मुस्कुराना पड़ेगा। गाना सुनेंगे लल्लन मियाँ, कौन सा रिकॉर्ड लगाऊं? हाँ ये बिल्कुल नया रिकॉर्ड है, बड़े गुलाम अली खान साहब का। यानी रिकॉर्ड के लिए पैसे हैं, जब तक मेरे पैसे नहीं मिल रहे ये गिरवी। ललन मियाँ, इससे तो अच्छा होगा कि आप सिद्धार्थ की किताबें ले जाइए। अबे इन किताबों का भुरकस बनाऊंगा मैं क्या? अरे वाह वाह, लाओ लाओ चाय। अबे इसमें मिट्टी का तेल डाल दिया क्या? मिट्टी का तेल? मिट्टी का तेल? आपको बताना भूल ही गया, एक दो दिन में सिद्धार्थ के घर से मनी ऑर्डर आने वाला है, आज ही खत आया है। हाँ देखिए। अच्छा मनी ऑर्डर? जी। देखो जो ही मनी ऑर्डर आए मेरे पैसे लेके पहुंच जाना दुकान पे। बिल्कुल, वरना मैं फिर आधमकूंगा। ये लो। बंदर चुकंदर कहीं के। गालियां आती हैं जो आपके लब को छूकर, उनकी खुशबू से हम मदहोश हुए जाते हैं। दो दिन से पता नहीं ये क्या पढ़ रही है, लगता है कोई बहुत अच्छी किताब है। क्या पढ़ रहे हो बेटे? पापा दिस इज द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, बहुत एक्साइटिंग किताब है। अच्छा? मजाकिया कहानी है क्या? जरा मुझे भी पढ़ के सुना। पापा सुना है शहर में एक और किडनैपिंग हो गई। ओह नो, अब कौन? नानक चंद ज्वेलर की लड़की को उठा के ले गए। हाय राम, ये क्या हो रहा है हमारे भारत वर्ष में? मुझे लड़कियों को ऐसे उठा के ले जा रहे हैं जैसे कौए पापड़। नेहा यू मस्टंट रोम अराउंड अलोन, समझी ना? हाँ, शहर की हर सुंदर लड़की को खतरा है। दादी माँ, तुम बच के रहना। क्यों? तुम कोई किसी से कम सुंदर थोड़े ही हो। लिपस्टिक लगा, लिपस्टिक लगा।
क्या कर रही है? कहिए जी। अच्छा हुआ आप मिल गए। जी मैं कैसे नहीं मिलता? एक मनी ऑर्डर है आपका। अच्छा ये ली इधर इधर। इतना तो मुझे ही पता है। पूरे 500 गिना आपने? हाँ जी। थैंक यू। अच्छा मैं भूल गया। ये सुनाइएगा जरा हम जदरी खान साहब। जरूर सुनिए साहब। अरे कमाल यार दिखाई नहीं देता क्या तुम लोगों को? ओमी क्या ये वही जानवर है? ये लगता तो अपना अरस्तु है लेकिन यहाँ कैसे? लगता है अरिस्टोटल सुधर गया है। लेकिन इस चेंज ओवर का सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ इसका मनी ऑर्डर आया था। अच्छा थैंक यू सिद्धार्थ। मैंने पिछले महीने तुमको 10 रुपए दिए थे लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शन के। वापस अभी चाहिए? बिल्कुल अभी। लो यार। जोमो तुम्हें याद है उस दिन पिक्चर के लिए मैंने तुम्हें उधार दिए थे पूरे 10 रुपए? साला शुक्रिया। ओमी मैंने तुम्हारे लॉन्ड्री के पैसे दिए थे संडे को, रिमेंबर? आई पेड। यस थैंक यू थैंक यू। कोई दूसरा ढूंढ दो। क्या करो? मैं कल देता हूँ। कल 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 नहीं आज ही चलेगा। आज तुम लोग जाकर शिकार पर। कहाँ पर? क्या है कि इस वक्त जरा यहाँ अच्छी लड़कियां घूमती हैं, आंखें सेकेंगे। अरे इसको क्या बता रहे हो, इस गरीब को लड़कियों से क्या लेना। ये चमको नीचे रख दो। हाँ रख दीजिए। आज आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। हाँ शॉपिंग की है ना। शर्ट नया है, टैग निकाल दो। I'm so sorry। मैं आपके लिए कुछ लाया हूं, ये देखिए। ब्रेसलेट? जी हाँ। ये तो चांदी का है? जी हाँ। बहुत महंगा होगा? जी हाँ। मैं इसे नहीं ले सकती। क्यों क्यों? आप ही कमाल करते हैं, ये हम सिर्फ दूसरी बार मिल रहे हैं। तीसरी बार? और आप मुझे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हैं। आपने मुझे समझ क्या रखा है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज आप नाराज मत होइए। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे इन मामलों में बिल्कुल भी वो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने सोचा था आप बहुत खुश होंगी, लेकिन अगर आप नाराज होती है तो मैं वापस ले लेता हूँ। आप प्लीज नाराज मत होइए। मैं आइसक्रीम लूंगी, टूटी फ्रूटी, हमेशा की तरह। तुम आप? नहीं, 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 तुम ठीक है, मैं कॉफी। सिगरेट बहुत पीते हो। तुम्हें सिगरेट नहीं पसंद? नहीं नहीं मुझे तो सिगरेट बहुत अच्छी लगती है, मतलब उसकी खुशबू। कभी कभी तो खुद पीने को दिल करता है। नहीं नहीं पता ही नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों क्या, मैं कहता हूँ इसलिए नहीं। अरे तुम मैं कहूंगी तो क्या तुम छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा। चेन स्मोकर हो, नहीं छोड़ सकते। तुम क्या कर तो देखो। कह दिया। लो छोड़ दिया। ये क्या मजाक? ललन मियां काश मजाक ही होता, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। और वो तुम्हारा मनी ऑर्डर जो आने वाला था, इसका क्या हुआ? मैं क्या बताऊं ललन मियां, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं मियां शर्मिंदा तो हम हैं कि तुम जैसे खरीदार हमने पाल रखे हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं ललन मियां, मेरा मतलब है मुझे पहली बार ललन मियां मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। ये किस खुशी में? भूल गए आप,
याद नहीं आपको मैंने कहा था मैं सिगरेट पीना तब छोड़ूंगा जब जब वो एक स्पेशल लड़की आ, है? आ, अरे मियां वाह मुबारक हो चुक्रिया चुक्रिया मगर मेरे पैसे कौन देगा वो तो ललन मियां मैंने सब पागलों की तरह खर्च कर दिए जी हाँ ये देखिए ये सब नए हैं लेकिन आप क्या कीजिए जी आप ये रख लीजिए चांदी का है वाह क्या बात है तो मियां बेगम साहबा से ये जाकर कहूंगा कि जब पैसे मिलेंगे तब पकेगी बिरयानी फिलहाल तो ये गहना पहन लो सुनते थे कि इश्क में होता है लोगों को धोखा या इश्क तो कोई और कर रहा है और धोखा अचानक ये क्या सूझी हाँ अरे जे जे जे। मेरे दोस्त वीडियो पर उतर आए मुझसे तो देखा नहीं जाता पहली तनख्वाह मिलते ही तुम दोनों को डनहिल मंगा दूंगा ओह, अभी अप्लाई भी नहीं किया और इनको पहली तनख्वाह भी मिल गई वाह 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 अरे भाई कॉल तो आने दो कॉल कैसे नहीं आएगी ये जॉब तो मेरे लिए निकली है फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन गोल्ड मेडलिस्ट दर्जनों सर्टिफिकेट है उम्र बराबर है अंग्रेजी अच्छी खासी बोल लेता हूँ पर्सनैलिटी भी टच फुट जॉब हासिल करने के लिए और क्या चाहिए सिफारिश पॉइंट नहीं इस मुल्क में सिफारिश के बगैर छोटा ही सही लेकिन पत्ता हिल सकता है ये मुझे साबित करना है बस और मिस्टर सिद्धार्थ पराशर क्वालिफिकेशंस आर इंटरेस्टिंग नॉट मच एक्सपीरियंस गुड मॉर्निंग सर आ मिस्टर पराशर कम इन प्लीज टेक अ सीट थैंक यू सर कितनी शांति है ना इस बाग में दरअसल अब हमें गाना गाना चाहिए इधर उधर भागते हुए और ये इतने सारे लोग जो बैठे हैं आसपास अरे देखो भालू खूबसूरत भालू ससुराल जाएगा दुल्हनिया को लेने टेरी कॉट का सूट पहन के मेरा भालू देखो सारे कैसे चलता है देखो कमाल ये बस लेकिन जब फिल्मों में हीरो हीरोइन गाना गाते ना तो उनके सिवाय बाग में कभी कोई नहीं होता हालांकि देश की आबादी इतनी है और बताओ ये बाग में अचानक म्यूजिक कहां से बजने लगता है वो भी 40-piece ऑर्केस्ट्रा और गाने के लिए इन लोगों को झटपट लव्स कैसे सोचते हैं जो राइम करते हो जिसे देखो शायद गाय चला जा रहा है वैसे ये कोई खास मुश्किल काम नहीं है लव्स तो एक ही होते ना जैसे प्यार बेकरार इंतजार इकरार टुकड़े हजार बार बार बस शायरी आ गई अरे कुछ सुना तुमने संगीत लेकिन यहां कैसे अजीब बात है कहीं कोई जादू टोना तो नहीं है मुझे लगता है मुझे भी लगता है जब किसी से प्यार हो जाता है तो संगीत अपने आप सुनाई देने लगता है और अल्फाज भी खुद ही सुनने लगते हैं पागल बादल काजल छम छम पायल कैसे हो पागल जैसा ये बादल कहता क्या काजल जो गाती पायल कैसे हो पागल
क्या काजल जो काती पायल। दीवाना मस्ताना अनजाना पहचाना मनवा दीवाना मौसम मस्ताना प्यार अनजाना मीत पहचाना मनवा दीवाना मौसम मसाना प्यार अनजाना ये फूल सबका जो हीरा मन का बालों में भटका पलकों पे अटका खबर लाया हूं बहुत अच्छी। पैसे चुकाने आए हो? नहीं भाई, खुशखबरी तो मियां हमारे लिए तब होगी जब तुम हमारा हिसाब चुकाओगे। लल्लन मियां सब्र कीजिए, मुझे नौकरी मिल गई है। हमें नौकरी? देखिए देखिए, पहली तारीख से बड़ी कंपनी में छोटा अफसर बन रहा हूं। पहली तनख्वाह मिलते ही सबसे पहले आपका कर्ज इंटरेस्ट के साथ चुका दूंगा। अबे मुबारक हो यार। शुक्रिया शुक्रिया। किसको बताया? किसको? स्पेशल लड़का। वो अपने साबुन अबुन के चक्कर में कहीं गई हुई है। और वो ओमी और जोमो जो है दोनों गायब है। अच्छा, सबसे पहले आप ही को बता रहा हूं। अच्छा देखो, रुको रुको जरा, ये लो मियां, ये लो तोहफा हमारी तरफ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो तुम्हें तुम्हें खुश रखना पड़ेगा। ओ, लेकिन लल्लन मियां मैंने तो छोड़ दी ना। अच्छा लो फिर, काम आ जाएगी। बाद नहीं आएंगे। नेहा, मुझे नौकरी मिल गई। साहब बधाई हो। थैंक यू थैंक यू। वेटर, डबल टूटी फ्रूटी। अरे जी जी, नौकरी मिली है, तनख्वाह नहीं। तो क्या हुआ, मैं तो अमीर हूँ, मेरे साबुन वाले पैसे मिल गए। लॉन्ग लिव चमको।
अब तो देखो प्लीज नेहा, आज से चमको हमको कुछ नहीं। हाँ क्यों? मैं कहता हूँ इसलिए बस। तो तुम कौन होते हो? मैं तुम्हारा होने वाला लॉर्ड एंड मास्टर हूँ। क्या किसने कहा? मैंने कहा। तो तुमने भी कहा? मैंने कब कहा? तुमने पूछा भी? पूछना किससे? लो अभी पूछ लेता हूँ। नेहा तुम मुझसे शादी करोगी? अभी तो पढ़ाई में गुतनी हुई है। अरे तो हम कौन सा कल शादी कर रहे हैं? नेहा सिर्फ फिक्स करके रखेंगे। भाई बड़े घर की लड़की हो, देखने में भी ठीक ही हो, क्या पता तुम्हें कौन कब लेकर उड़ जाए। इसलिए मैंने सोचा कि पहले से बुक करके रखता हूँ। तो बताओ फिर तुम्हारा क्या जवाब है? देखो ये जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है, इतनी जल्दी कैसे बता सकती हूँ? मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो कितना वक्त चाहिए तुम्हें? बहुत वक्त चाहिए। नहीं तो फिर कब जवाब दोगी? जब मैं ये टूटी फ्रूटी खत्म कर चुकूंगी। जाओ रानी। ओमी जोमो सुनो। अरे कबाब में हड्डी यारो, खुशखबरी है। क्या हुआ? अरे पहले मुंह तो कड़वा करो, मुझे नौकरी मिल गई है। वो मैंने क्या कहा था? तुमने कहा था सिफारिश चाहिए। है। मुझे तो पूरा यकीन था। दोस्त किसका है आखिर? अच्छा अब नौकरी मिल गई है तो जरा नाजुक चक्कर चलाने की कोशिश में हूँ। मतलब? मतलब वो ही मतलब। तो आप, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढनी होगी। ऑल राइट, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जी नहीं शुक्रिया, लड़की मैंने खुद ढूंढ रखी है। कौन है, कहाँ है? असली लड़की है, हमने देखी है। क्या तुमने देखी नहीं? लेकिन मिलवाएंगे। ये धुआं देख रहे हो? सीधा दिल से निकल रहा है। क्या जानिए कि छाती जले है या दागे दिल, एक आग सी लगी है कहीं, कुछ धुआं सा है। Ru 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 ру 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 ру
चुराए दिल की दिल में बात छुपाए दर्द न खाले खुशी न बांटे जिसके लिए मुरावत कांटे बंद करेंगे हम भी फौरन उससे हुक्का पानी क्या समझे जानी अरे अरे प्यार बनावट तो ना ये सुनने की बेटे तुम कल जा रहे हो पैकिंग हो गया अरे इसे कहां होश है मैंने पहले ही इसका बक्सा ठीक कर दिया है ओफो दादी माँ तुम हमेशा गर्म कपड़े ठोस देती हो बंबई में सर्दी नहीं होती मुझे अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा सारी पैकिंग दोबारा क्या है बेटे आपसे बात करनी है बाद में अभी मैं पढ़ रहा हूँ आप तो हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं ये बहुत स्पेशल बात है बोलो क्या स्पेशल बात है मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहती हूँ अच्छा तो ले आना पापा ये बहुत स्पेशल कोई है ए? क्या मतलब मतलब ये कि नेहा अब छोटी नहीं रही चक्कर क्या है ये पापा मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसे मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ बाद में कहेंगे कि जमाई से मिलवाया तक नहीं जमाई किसका जमाई आपका जमाई क्या बक रही है कौन है जिसे मैंने देखा तक नहीं अरे वही तो कहना चाह रही है बुला लो ये क्या बकवास है
जमाई वमाई कुछ नहीं, मैं अपना जमाई खुद ढूंढूंगा। लेकिन देखने में क्या हर्जा है? अभी ये छोटी है, आइसक्रीम खाती है। तुम भी कैसी बात कर रही हो? अरे अब इतनी छोटी नहीं है, मैं इसकी उम्र की थी तो तुम मेरे गोद में थे, तब की बात और थी। अच्छा, बेचारी उसे ढंग से घर बुलाना चाहती है, हम दोनों से मिलाना चाहती है। अगर किसी दिन भाग गई फिर पता चलेगा। मेरे दिमाग में कोई और प्लान है। सिद्धार्थ एक मिनट, मैं चाहता हूं कि तुम कभी हमारे घर आओ। क्यों? Why not, sir? I'd be delighted. Good. कब आओगे? आज शाम क्या कर रहे हो? सर कल आ सकता हूं सर, आज शाम जरा बिजी हूं। सिद्धार्थ तुमने कभी ख्याल किया कि हम एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं? तुम अभी तक मेरे घर पर भी नहीं आए हो। तुम्हें देख लिया बस बहुत। नहीं सच, तुम्हें पापा से मिलवाना है, दादी अम्मा है, फिर भैया से भी नहीं मिले? सबसे मिल लूंगा, सबसे मिल लूंगा। मेरी पहली तनख्वाह हो जाने दो, फिर तुम कहोगी तो एक बड़ा सा मिठाई का डब्बा लेकर सबसे मिलने आया करूंगा बस। और मैं तुम्हारे माता पिता से भी नहीं मिलूंगी। उनसे तो अब जिंदगी भर मिलना मिलाना है। दरअसल उनसे मिलोगी तो मुझसे मिलना भूल जाओगी, इतने अच्छे हैं। ये तो तुम मुझे देख कर ही अंदाजा लगा सकती हो। और मैं तुम्हारी नौकरी के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानती हूँ, कहाँ काम करते हो, क्या काम करते हो, दादी अम्मा पूछ रही थी। सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। दरअसल ये पहली तनखा मेरी आ जाने, ये एक प्रोबेशनरी पीरियड है ना, ये एक महीना निकल जान दो, तुम्हें दफ्तर ले जाऊंगा, कहोगी तो दादी अम्मा को भी साथ ले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा वो मकबरे के पास जाए वहां वहां। ओए ओए जोमो शिकार। ओए बड़ी क्यूट बच्ची है, बड़ी प्यारी बच्ची है। चाइल्ड इसका नाम क्या है? अंजलि। कहाँ रहती है ये? आपका नाम क्या है? ऑटो, व्हाट अ स्वीट बेबी। डॉगी 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 देखो, आले आले बोल करेगा, पूछे करेगा। ओ वो देखो डॉगी खेलता है, कितना बढ़िया पार्क है। भाई साहब जरा एक मिनट पकड़िए, मैं पांच मिनट में आई। ओए अच्छा तो कल शाम को मैं तुमसे नहीं मिल सकता, मेरे बॉस ने मुझे अपने घर पर बुलाया। घर पे क्यों? पता नहीं, हमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है। उनकी कोई लड़की वड़की तो नहीं है? खैर अच्छा ही है, मैं भी कल तुमसे नहीं मिल सकती, बहुत बिजी हूँ। क्यों, तुम क्यों नहीं मिल सकती? हमारे यहाँ पापा के कोई खास मेहमान आने वाले हैं। हाँ तो लेकिन उन खास मेहमान से तुम्हें क्या लेना देना है? मुझे पापा ने घर रहने को बोला ना। कहीं तुम्हें तो कोई देखने वेखने नहीं आ रहा? बता दो भाई। ओए उमी, देख सिद्धार्थ और लड़की। अरे ये तो असली लड़की है गुरु, ये कहीं वो, ये तो वही लड़की है। मैंने पार्क में गाने गाए, प्यार मोहब्बत की बातें की, ऐसी लड़की से हमें अपने दोस्त को बचाना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। दोस्त ही अपना दीनो मजहब, दोस्त ही अपना ईमा है, कौन सी शहर दुनिया में जो यारी पर कुर्बान नहीं।
मैं तुम्हें खूबसूरत राज बताने ही वाला था। ये वो है मेरी, ये नेहा है। कैसी है? क्यों क्यों क्या बात है? सिद्धार्थ, दोस्त होने के नाते तुम्हें बता रहा हूं, संभल कर रहना। इस लड़की से होशियार रहना, वरना बाद में पछताओगे। क्या तो क्या क्या कहना चाहते हो तुम? यार, गलत लड़की के चक्कर में पड़ गए हो, ये कहना चाह रहा हूं। तुम इसे जानते हो? इसे कौन नहीं जानता, बड़ी चालू चीज है। देख, नाराज नहीं हो, ये वही लड़की है जिसको मैंने डेट किया था, पार्क में गाने गाए थे। हां, तुम्हें हॉट नो 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 दे 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 शर्मिया थी तुम्हें। आउच आउच, दे 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 दे। सुन तो मैं उसके घर भी गया हूं। उसके घर अभी तक मैं भी नहीं गया, तुम कैसे पहुंच गए? अरे मैं झूठ बोल रहा था, खुद जाकर देख लो ना। और उसके घर में हरा कमल का एश्रे भी है, और उसकी माँ का फोटो भी है वहां पर, उस पर हार टंगा हुआ है चंदन का। मैं सच कह रहा हूं, मैं गया उसे। भागो, क्या है ये? तुमने पिन अप लगाना कब से शुरू किया? ये पिन अप नहीं है, नेहा है। मेरी दोस्त, मेरी होने वाली बीवी। अब तुम्हें भी कुछ कहना है क्या? मैं दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। क्या मतलब? शांति से सुनोगे तो बताऊंगा। बताओ। दोस्त, वो लड़की अच्छी नहीं है, बहुतों को उल्लू बना चुकी है, मुझे भी। हर एक के साथ वही नाजो नखरे, वही अदाएं, मीठी मीठी बातें, कसमें वादे। बड़ी चंड चीज है। क्या शेर सुनाया था कमबख्त ने, या रहे इसमें अपने घर की तरह, या मेरे दिल में आप घर ना करें। अरे मुझे क्या पड़ी है, तुम भी उल्लू बनो। दोस्तों पर तुम्हें यकीन नहीं, तुम्हारा भला चाहते हैं। मैं उसके घर होकर आया हूँ, और तो उसके बेडरूम में गया हूँ, उसके बाथरूम तक में गया हूँ। यकीन ना हो तो जाकर देख लो, उसके बाथरूम में हरे रंग का पर्दा टंगा है, फूलों वाला, प्लास्टिक का। बचाओ बचाओ बचाओ। हेलो नेहा। हाँ सिद्धार्थ, बोलो। कैसी हो तुम? मजे में हूँ, लेकिन तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ, मैं कुछ डिस्टर्ब सा था, लेकिन अब तुमसे बात कर ली तो ठीक लग रहा है। हम आज शाम को मिल सकते तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं, थोड़ी सी जुदाई अच्छी होती। आज तुम अपने बॉस को खुश करो, ओके? अच्छा, बाय बाय। गुड इवनिंग। हेलो सिद्धार्थ, वेलकम वेलकम। कैसे हो? ठीक है सर। सर, वो अग्रवाल इन कंपनी का टेंडर आ गया है, और कलकत्ता से एक ऑर्डर है सर, 20,000 pieces। बट वी सुनो, ऑफिस की बात घर पे नहीं, ओके? नो शॉप टॉक। श्योर सर। मैंने इसलिए बुलाया था कि अपने घर वालों से तुम्हारा परिचय करवा दूं। कम, लेट्स गो इन प्लीज। बड़ी अजीब फिलॉसफी है सर इन जैन वालों की। तो पढ़ते हो तुम सिद्धार्थ? थोड़ा। आजकल के नौजवान कुछ पढ़ते ही नहीं, सिर्फ पिक्चर्स ही देखते हैं। सर, दरअसल आजकल मैं भी बहुत कम पढ़ पाता हूं। थैंक यू सर। सिद्धार्थ, जरा वो एस्ट्रे दीजिए। चलिए सर। ये नेहा की मां है, और उसकी मां का फोटो भी है वहां पर, उस पर हार टंगा हुआ है चंदन का। अरे बेटा, ये क्या किया?
चलो अंदर बाथरूम में धो लो, नहीं तो दाग पड़ जाएगा। उसके बाथरूम तक मैं गया हूँ, यकीन ना हो तो जाकर देख लो, उसके बाथरूम में हरे रंग का पर्दा टंगाया फूलों वाला प्लास्टिक का। नेहा बेटे चाय। लो। थैंक यू सर। क्या चाय ठंडी हो गई बेटा? नहीं। एक्सक्यूज मी सर, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे फौरन जाना। अरे केक तो खा लो, नेहा ने अपने हाथ से बनाया है। जी नहीं, प्लीज एक्सक्यूज मी। सिद्धार्थ सुनो तो, हुआ क्या सिद्धार्थ, एक मिनट रुक जाओ। तुम मेरा पीछा मत करो समझी, और खबरदार जो मेरा नाम भी दोबारा लिया तुमने तो। तुम जैसी लड़कियों से तो भगवान बचाए, अच्छा हुआ मेरी आंखें पहले ही खुल गई। अब बेवकूफ बनाने के लिए किसी और को ढूंढना। सिद्धार्थ तुम पागल तो नहीं होगे? पागल हो गया था, लेकिन अब होश ठिकाने आ गए मेरे। और खबरदार जो आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश भी की तुमने तो, समझी? कहाँ से आए बदरा हो, घुलता जाए कजरा।
लीला कहाँ से आए मबरिजने मबसानी पा रे मनी पमा अरे मनी सा रे मपानी सा रे मपानी सा रे मपानी सा सर। हाँ सिद्धार्थ, वो तंजानिया प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया? नहीं सर। हुसैन एंड कंपनी का टेंडर लंदन से टेलीफोन पर बात हुई? बात क्या है सिद्धार्थ, टेल मी, मैन टू मैन। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। इससे पहले कि आप मुझे नौकरी से निकाल दें, मैं रिजाइन करना चाहता हूं। मुझसे काम नहीं होगा सर। ऑब्वियसली तुम किसी इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहे हो। मैं ये लेटर रख लेता हूं, एक महीना ये मेरे ड्रॉअर में पड़ा रहेगा। एक महीने के बाद भी अगर तुम अपने निश्चय पर कायम हो तो एक्शन ले लेंगे। कल से तुम छुट्टी पर हो, विदाउट पे नेचुरली। यस सर। ओमी, रुमाल देख रहा है ये? अरे ये तो लेडीज रुमाल है। चौका स्मार्ट होता जा रहा है। अबे इसे हम शिकार करेंगे। शिकार कैसे? अरे यार मैंने एक फिल्म में देखा था हा? उसमें होता क्या है कि टाटा अमिताभ पार्क में और फिर ये रुमाल आपका वहां गिर गया? जी नहीं, ये मेरा रुमाल नहीं है, शायद आपको गलतफहमी हुई है। हाँ हो सकता है गलतफहमी हुई हो, लेकिन मुझे लगता है शायद आपके पर्स के अंदर से गिर गया। लेकिन मेरा पर्स तो बंद है, ये देखिए ना। अब सुनिए, देखिए ये अच्छा सा खूबसूरत सा रुमाल है, इसे मैं ले जाके क्या करूंगा है? फिर इसे मैं सड़क पर तो नहीं फेंक सकता हूं? तो आप किसी हसीना को दे दीजिए ना। वही तो कर रहा हूँ। जी जी हाँ, जरा अपना हाथ लाइए। देखिए ये रुमाल आपके हाथ में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप यहाँ अक्सर आती हैं? जी हाँ, कभी कभी। और आप? मैं तो यहाँ रोज आता हूँ, आता हूँ, बैठा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। कितनी खूबसूरत क्या आपकी हंसी। जी वैसे आज शाम को आप क्या कर रही हैं? नहीं बताऊंगी। और आपका दिल मना? बिल्कुल नहीं बताऊंगी। जोमो, तेरे ख्याल से ये चाल चलेगी? चलेगी, अबे दौड़ेगी। 6,500 रुपए इन्वेस्ट किए। अच्छा जोमो शिकार। ओमी तू छुप जा और आप देख रुमाल का कमाल। अच्छा एक्सक्यूज मी मिस, ये रुमाल शायद आपका है, आपके पर्स से गिरा है।
है 6 रुपए का रुमाल। ए सिद्धार्थ उठो, 9 बज गए हैं, दफ्तर नहीं जाना है? नहीं। क्या मतलब? मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। अच्छा, हम ब्रेकफास्ट के लिए इडली खाने जा रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम लोग जाओ, मुझे भूख नहीं है। तुमने कल रात को भी खाना नहीं खाया था ठीक से। हाँ चलो उठो। कह दिया ना मुझे भूख नहीं है। अब इसके बाद फिल्म दोस्ती का गाना सुन लीजिए, मोहम्मद रफी की आवाज में। पसंद करने वाले हैं दोस्त, जो कुछ हुआ हमने किया ठीक नहीं किया, हम लोग हद से कुछ आगे ही बढ़ गए। अब मुझे क्या मालूम था कि बात इतनी सीरियस हो जाएगी। हाँ ये भी सच है, हमारा तो आए दिन 100 बार दिल टूटता ही रहता है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। सिद्धार्थ का बहुत जबरदस्त हार्ट फेल हुआ है। हार्ट फेल नहीं कहते, हार्ट ब्रेक। एक ही बात है। तुम भी टेबल क्लीन मनी शीघ्र में काफी गंडवा। एक बात कहूं, उस लड़की के बारे में जो कहानी मैंने बताई थी ना, मतलब वो तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, क्लास का समय हो गया है। मुझे क्लास में नहीं जाना दादी माँ। क्लास नहीं जाना है? क्यों? मैं सर दुख रहा। सर दुख रहा है। सिद्धार्थ तेरा लाइटर कहाँ है? तराज में होगा कहीं। अरे पॉइजन, ओमी इधर आ। अरे सिद्धार्थ, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अब क्या बात करनी है? बहुत जरूरी बात है सिद्धार्थ, जिंदगी और मौत का सवाल है। बोलो। वो जो हमने तुम्हें उस लड़की के बारे में बताया था, नेहा के बारे में, वो सब झूठ था। क्या मतलब? मतलब ये सच था कि हम उस लड़की के घर गए थे, लेकिन बाकी सब झूठ था। दरअसल हुआ क्या के नेहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नेहा, उस वक्त देखो ना कि बेटे दरवाजे से अंदर आ जाओ, शीशा क्यों तोड़ रहे हो? दादी माँ, मैं मिलना नहीं चाहती हूँ इनसे, कह दो दोबारा यहाँ ना आए। नेहा, नेहा मैं सिद्धार्थ,
अरे आ गया, क्या हुआ, सुलह हो गई? अरे लेकिन हुआ क्या, क्या हुआ क्या? अरे कुछ बताएगा भी या बस? आजा 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 आजा। तुम दोनों की वजह से मेरा मुंह तक देखने को तैयार नहीं है। तुम फिक्र मत करो, हम कोई तरकीब सोचते हैं। हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ। यारो रहम करो, अब भगवान के लिए मेरी और मदद मत करना। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, इसके बाद और दोस्ती मत निभाना तुम। इसके बाद मेरी सारी परेशानियां मैं खुद सुलझा लूंगा। हाँ जहर खाकर। क्या? हाँ तो फिर टिक 20 की शीशी क्यों लाए थे? खटमल मारने के लिए। शिट। कम इन सर। तुम? सर वो मेरा रेजिग्नेशन लेटर आपने एक्सेप्ट तो नहीं किया ना? नहीं अभी नहीं। सर वो प्लीज मुझे लौटा दीजिए, मैं उसे फाड़ देना चाहता हूं। और सर नेहा के बारे में मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। घर की बातें दफ्तर में नहीं। ओके नाउ गो डू योर वर्क। यस सर। थैंक यू सर। आ दीजिए। लो भैया। खुदा हाफिज़। बोलना। गुड मॉर्निंग ललन मिया, कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक था मगर अब सर में दर्द महसूस होने लगा। प्यारे ललन मिया, एक सिगरेट का पैकेट चाहिए उधार। अबे शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे ललन मिया अपनों से क्या शर्माना, आप ठाट से अकाउंट पर लिखे ना, अब तो सिद्धार्थ की नौकरी है। यस अब तो सिद्धार्थ की नौकरी है। अबे पहले हिसाब तो तुमने चुकाया नहीं है और बात कर रहे हो ठाट से उधार की। खुदा बचाए तुम लुच्चे लफंगों से। लगती हैं गालियां भी तेरे मुंह से क्या भली, कुर्बान तेरे फिर कह ले मुझे इसी तरह। अबे लगती है मेरे मुंह से अगर गालियां इतनी भली तो जाती है मियां सीधी तेरे घर को ये गली। अच्छा तो एक सिगरेट ही दे दीजिए। अबे एक बीड़ी तक नहीं दूंगा मैं तुझे बेईमान धोखेबाज। ख्याल कीजिए क्या काम आज मैंने किया, जब उसने दी मुझे गाली सलाम मैंने किया। सिगरेट 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 ले। अरे वाह किया कत्ल और जा बख्शी भी की, जोमो आज उसने एहसान दोबारा किया। क्या कर रहा है बेटे? पढ़ रही हूँ दादी माँ। लेकिन एक घंटा हो गया तुमने पन्ना तो बदला नहीं। किसी की नजर लग गई। ओह, 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 मकान है या आफत है? मुसीबत। हे भगवान, बाप रे, पांव का तो कच्चूमर हो गया। सिद्धार्थ पाराशर यहीं रहता है? जी हाँ यहीं पर रहता है, लेकिन इस वक्त तो वो दफ्तर गया हुआ है। फिर बेटे मैं यहीं बैठ जाती हूँ, बार बार सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। आ,
बेटा इतने सारे फोटो लगा दिए, एक आध भगवान का भी लगा दिया होता। बेटा जरा हाथ तो पकड़। थिएटर ये तो मेरी नेहा की फोटो है। आप इन्हें जानती हैं? क्या मतलब, ये मेरी पोती है, मैं इसकी दादी माँ हूँ। दादी माँ, दादी अम्मा, आपसे एक दरख्वास्त है, प्लीज आपको हमारी बात माननी ही होगी। सिद्धार्थ एक बार हमारी बात मान लो। तुम लोगों की बातें मानकर ही पछता रहा हूं मैं, समझे? बस ये आखिरी बार है, प्लीज नेहा को जीतने का ये एक ही रास्ता है सिद्धार्थ। हाँ ये रास्ते हैं प्यार के, समझे? आज शाम 5:30 बजे तुम पहाड़ी मंदिर के बाहर जरा छिप कर खड़े हो जाना। मोबाइक होनी चाहिए साथ में। मोबाइक किस लिए? ओफो ये मत पूछो, जो मैं कहता हूँ करो। अगर ये प्लान कामयाब नहीं हुआ तो ये सिगरेट पीना छोड़ देगा। ये सब क्या चक्कर है, मुझे करना क्या है? मंदिर के बाहर खड़े रहकर भजन गाना है? बहादुरी दिखानी है दोस्त, बहादुरी। लड़कियों को जीतने का यही एक रास्ता है। तुम्हें सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा, प्यार की जीत होगी। सॉरी। तो तुम लोग अब जाओ, मुझे काम कर रहे हो, तुम लोग जाओ 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 जाओ। चल जाओ, चल चल। तो आज शाम को पहुंच रहे हो ना पहाड़ी मंदिर के बाहर, ठीक 5:30 बजे? नहीं, दादी माँ गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। मैंने उसे वापस भेज दिया। क्यों, तो हम जाएंगे कैसे? अरे टैक्सी से जाएंगे और कैसे जाएंगे? टैक्सी इस जगह कहाँ मिलेगी? आ जाएगी थोड़ी देर में। ले आ गई टैक्सी। ए टैक्सी, हाय राम, पैसे का रुमाल तो मंदिर में भूल आई। मैं लेके आती। नहीं नहीं तू बैठ, मैं आती हूँ। दादी माँ, अरे बचाओ, ए बचाओ, कोई ले गए। अरे कोई बचाओ, बचाओ कोई, हाय मेरी बिटिया को ले गए। अरे बचाओ, क्या हुआ दादी माँ? अरे पूछ क्या रहे हो, टैक्सी का पीछा करो, बचाओ उसे, जल्दी भागो। क्या नेहा कहाँ है? हम तैयार हैं। नेहा, अरे तो वो टैक्सी, अरे नेहा तो गई। हा? अरे वो टैक्सी में गई। हा? अरे जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ, बचाओ ड्राइवर, जाओ जाओ, चलो पीछे, बचाओ। जल्दी करो, कम ऑन, इसका पीछा करो, फांसी पास, कम ऑन। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? और तेज चलाओ दादी अम्मा, हम सोने अभी पता चले ना। इसका मुंह बंद करो, गाड़ी जा। अच्छा बहुत पीछा कर रहा है, और तेज चलाओ, रोको टैक्सी, तेज जल्दी पीछा करो। किसका पीछा करूं, कोई दिखे तो? बस तुम पीछा करो, और तेज पीछा करो, तेज इस चूजे को हम देख लेंगे। सीधा आगे चलो, पकड़ो, बचो, जाओ नहीं करे, पकड़ो पॉइंट, छोड़ो मुझे, क्या करो? ये लड़का बहुत पीछे रह गया है, बहुत सट्टा आ गया, ये लड़की बहुत शोर मचा रही है। यार, अरे चल ना, मुझे क्या हाल, जा रहा मैं नहीं जाऊंगी।
तुम्हारी गली में हमसे ही टक्कर। बंदूक से बच्चे नहीं खेलते। सुन 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 सुन। अरे जमात चला। अच्छा कबूतर के बच्चों, सिद्धार्थ साथ जी नहीं सकते तो साथ मरेंगे। विलन साहब भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए, एक दो लाख की बातों तो हम दे देंगे आपको। हाँ, बाद में हमारा उधार चलता ही रहता है। खामोश। लो भगवान का नाम। वान ये आ गए। ओए चमचा वाला, चमचे अरे ललनिया आप यहाँ कैसे? हुआ ये कि बंसी विन दोनों को यहाँ लाया था और वो यहाँ क्या देखता है कि यहाँ तो तमंचों की फायरिंग हो रही है। बंसी आया ललन के पास और हमने सोचा कि इंस्पेक्टर साहब को संग ले लो। और एक ये दबोच लिया उचकों को। सच ललनिया, हम आपके एहसान कैसे चुका सकते हैं? एहसान वैसान छोड़ो, मेरा हिसाब चुका दो। कांग्रेचुलेशंस, द डिपार्टमेंट इज प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। हमारा फर्ज था। जरा यहां साइन करिएगा कलम। श्योर। यहां ये रहा आप लोगों का रिवॉर्ड। यू विल हैव टू शेयर इट। सर मुझे तो मेरा रिवॉर्ड मिल चुका है। जोमो हमें ऐसा रिवॉर्ड कब मिलेगा? हजार गर्ल्स यार। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हिसाब भी चुक गया। गुड डे टू यू ललन मिया। आदाब अरसा ललन मिया। वाह सर बटेर, आज तो बिल्कुल लका कबूतर लग रहा था नहीं? अरे वाह ललन मिया, क्या बात है। आज तो दुकान दुल्हन लग रही है। ये देख। अरे, अरे क्या जल रहा है। पूरा डनहिल निकालिए। ले बेटा डनहिल। पूरा कार्टन। कार्टन? यस। तो ले बेटा कार्टन। कार्टन ये लो। वाह भाई, अपन स्वदेशी खरीदते हैं। ओल्ड इज गोल्ड, ए कार्टन गोल्ड। कमिंग कमिंग गोल्ड। थैंक यू ललन मिया। अबे गोल्ड लिख लेना खाते पर। आज से न्याय हिसाब शुरू कीजिए। उमी शिकार। हाँ, फॉलो मी। अबे सुनो ना। अबे प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत प्रेम प्रीत या लव लामूर, नाम कई पर बात वही है, हर किस्से की बात नहीं है। बात न कुछ कहने की, बात न कुछ कहने की, तो क्या गुमसुम रहने की। अरे गुरु, अरे गुरु, बात न कुछ कहने की, बात न कुछ कहने की, या लव लामूर नाम मुझे ला 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 ला
आंख चुराए, दिल की दिल में बात छुपाए, दर्द न खोले खुशी न बांटे, जिसके लिए मुरावत कांटे। बंद करेंगे हम भी फौरन उससे हुक्का पानी, क्या समझे जानी। अरे अरे प्यार लगावट प्राणायाम Ding, tak, chicka, ding, ding. Dhai, akhar.